नई टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 4 तारीख को लॉन्च हो रही है, किस तरह उसका कुछ प्रावधान किस तरह के रहे, क्या फायदा होना आपका? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान दिया गया, बहुत सारे जो पहले इधर भी जाओ उधर भी जाओ वो सब ना करके टूरिज्म डिपार्टमेंट ही बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट करेगा, और जो अननेसेसरी की कार्रवाइयां थी, जो पेपर वर्क था, उससे भी काफी कुछ लोगों को, हम लोग जा रहे हैं कि उनको उसमें भी इतना नहीं जाना पड़े, इजीली वो अपने प्रोजेक्ट को क्लियर कर सके, चाहे लैंड अलॉटमेंट हो, ऑक्शन हो, चाहे नया अपना यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए, चाहे जो एनओसी चाहिए होती है फायर डिपार्टमेंट से, उसमें भी हमने थोड़ा कुछ कैटेगरीज भी जोड़ी है, बहुत सारी कैटेगरीज भी जोड़ी है, रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए भी इजिली जो वो इश्यूज का सामना करना पड़ता है उसको भी हम लोगों ने आसान किया है। राइजिंग राजस्थान और एक वर्ष भी पूरा हो रहा है सरकार का, दोनों में पर्यटन या फिर और दूसरे विभागों की बात करें, किस तरह से भागीदारी रहेंगे? राइजिंग राजस्थान में हमने देखा बहुत एंथुजियाज्म रहा है, बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड से लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है, एमओयूज भी हमारे लगभग मुझे लगता है अब तो 25 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज हुए हैं, और बहुत अच्छा एक ये संकेत, बहुत शुभ संकेत है राजस्थान के लिए। राजस्थान भी अब एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है, अभी हम लोग देखेंगे कि और भी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसमें भी आपने देखा रिप्स 2024 पॉलिसी लॉन्च हो गई, और जितनी भी इश्यूज हैं पूरे सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी अलग अलग प्रदेशों का भी प्रभारी बनाया है, अलग अलग देशों का भी प्रभारी बनाया है कि उस कंट्री से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा तो स्वयं से वन ऑफिसर वन स्टॉप वो होगा। नहीं बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट, जयपुर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं राजस्थान में, सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं, और ये जो पूरा अपना जल महल का पूरा जो एरिया है उसको डेवलप करना, उसमें बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं उस एरिया को, प्लस जो आमेर है वो पूरा ही एरिया है, उसमें भी और क्या फैसिलिटीज हो सकती है, चाहे साउंड एंड लाइट शो और इम्प्रूव किया जा सकता है, और भी जैसे टूरिस्ट को हम लोग क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पूरा एक डीपीआर बनी है उसकी, और वो जब काम शुरू होगा तो आपको भी दिखाई देगा कि क्या क्या प्रपोज है, और थोड़ा बहुत वर्ल्ड सिटी की ओर भी हम लोग उसको ले जाना चाहेंगे, वर्ल्ड सिटी के लिए भी 100 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं इस बजट में, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो पूरा प्रयास चल रहा है कि कैसे हम लोग ये पूरा जयपुर को भी और सुंदर बनाए और ज्यादा आकर्षित बनाए। वैसे तो मुझे लगता है बहुत कुछ पहले भी हुआ है, लेकिन अब और उसको क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच।